जब आप कह रहे थे कि पूरी कोशिश करे विपक्ष तो बीजेपी को 272 के नीचे सिमटा सकती है या फिर अपना 272 कैसे लेकर के आए, ये आपकी एक गणित थी। अब मैं आपसे, और उसमें एक कंक्लूजन ये, और हमने विपक्ष के कई नेताओं को ये बोलते हुए भी सुना है और बहुत सारे भाजपा के नेताओं को भी बोलते हुए सुना है, संविधान बदलने की बात। आज जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हमने देखा है कि बहुत सारे दलित बहुल जो गांव हैं वहां पर एक ये कंसर्न है, जिसको ये जो खास तौर से जब 400 पार का नारा दिया गया उसके बाद से एक कंसर्न है कि भाई ये 400 पार ले आएंगे, इनके अपने नेता भी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आरक्षण खत्म कर दें, कहीं ऐसा ना हो संविधान बदल दे। सो मच सो कि अब बीजेपी के आला नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को आकर के ये बोलना पड़ रहा है कि मेरा तो छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, अंबेडकर भी आ जाएंगे तो ये संविधान नहीं बदल पाएंगे। देश का कानून भी यही कहता है, जो केशवानंद भारती जजमेंट है उसमें आप जो है संविधान का जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदल सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये, इसको आप किस तरीके से, ये 400 पार का नारा आपको लगता है वो गलत संदेश पहुंच गया? जी, दोनों तरफ से देखिए, एक तो 400 पार का नारा देने से बीजेपी को फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि सब लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप और मैं बैठ के भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जितना चर्चा होगी, चाहे आप चर्चा में साबित कर दीजिए कि 400 पार नहीं पहुंचे, इससे होगा बीजेपी का ही विज्ञापन, चर्चा वही हो इसमें रही तो है। कोई संदेह नहीं। चर्चा हो गई, हाँ 404 बार लोगों की जुबान पे चढ़ गया, इससे बीजेपी का विज्ञापन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, बीजेपी इस मामले में सफल हुई। लेकिन जो दो दिक्कतें, एक तो इससे लोगों के मन में जो आपने एक ये हो गया है कि अब अगर बीजेपी 400 पार का नारा दे दा के अगर 280 सीट लाती है, 290 लाती है, 300 भी लाती है, तो लोग कहेंगे वो तो बात ना बनी, जो कह रहे थे वो तो नहीं हुआ। अब मतलब इनकी जीत भी हार जैसी दिखाई देगी। और दूसरा जो आप गहरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कि लोगों के मन में अब ये संदेह पहले से भी था। और देखिए, आपको मैं बता दूं, जिस दिन इस देश का संविधान बदला जाएगा, कहीं घोषणा नहीं की जाएगी कि संविधान बदला जा रहा है, केवल कहा जाएगा संविधान का 127वां संशोधन किया जा रहा है संविधान, जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के वक्त। उसे इंदिरा गांधी ने थोड़ी कहा था कि मैं संविधान बदल रही, उन्होंने कहा था कि संविधान में 42वां संशोधन किया जा रहा है, और संशोधन ऐसा था कि अब संविधान की सारी आत्मा खत्म हो गई थी, उसको निकाल दिया था, बदल दिया था। बीजेपी एग्जैक्टली वही करने की सोच रही है, ये प्लान है, ये कोई साजिश, कोई हमारे मन की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने लिख के, विवेक देबरॉय ने लेख में लिखा, अगर सरकार की नियति और नियत के बिल्कुल खिलाफ होता अगले दिन उनको हटा दिया जाता उनकी पोजीशन से। उसके बाद ये अनंत हेगड़े ने बोला, उसके बाद ज्योति मिर्धा ने बोला, बीजेपी के तमाम लोग सड़क सड़क पे बोल रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या प्रमाण लल्लू चाहिए? सिंह जो उनके सांसद हैं उनके उन्होंने सांसद बोला। तो तमाम लोग बोल रहे हैं, इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए? आपको ये तो उम्मीद नहीं है ना कि प्रधानमंत्री आके बयान देंगे कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, ऐसा मूर्खता तो कोई करेगा नहीं। तो बिल्कुल ये बात है, और ये बात दो वर्गों में अब छूने लगी है, एक तो शहर के कुछ उदारवादी वर्ग जो कि बहुत छोटा सा है, बुद्धिजीवी वर्ग कम से कम अलर्ट हुआ है, लेकिन दूसरा जो दलित एक्टिविस्ट, दलित वोटर है, जो घर में बाबा साहेब की तस्वीर लगाता है, कई घरों में मैं तस्वीर देखता हूं, मैं घूमता हूँ ना गांव गांव में, घरों में तस्वीर होती है बाबा साहेब की, उसके साथ में तस्वीर होती है कई जगह पे रविदास की तस्वीर होती है, एक किसी संत की तस्वीर होती है, और तीसरी गौतम बुद्ध की तस्वीर होती है। जिसने अपने घर में ये तस्वीर लगा रखी उसको लगता है कि ना, ये तो कुछ बहुत अनिष्ट होने वाला है, इसको रोकने की जरूरत है। और ये चर्चा मैंने इस बार राजस्थान में घूमते हुए अलवर में मेघवाल समाज के लोगों के पास गया, बैठा वहां पे, वहां बिल्कुल साधारण लोगों में इस बात की चर्चा थी। तो ये संदेह आ रहा है, और ये संदेह बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। आप मानते हैं भारी पड़ सकता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने तो इसको सनातन से जोड़ दिया। उन्होंने बोला कि जब संविधान रचा जा रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जो लोग थे वो 80 से 90% सनातनी थे, तो संविधान को सनातन से भी जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि अब एक तो बीजेपी के अपने सांसद बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक भ्रम और प्रचार सिर्फ विपक्ष कर रहा है, बीजेपी के अपने सांसद भी तो बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को खुद ये जरूरत महसूस हो रही है कि भाई डैमेज कंट्रोल में दिखो ये संविधान बदलने वाली बात पर?
जाहिर है जब प्रधानमंत्री को डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो जमीन से उनको फीडबैक आ रहा है, और फीडबैक यही है जैसे मैंने कहा। अभी ये नहीं है कि एक साधारण किसान, कोई साधारण मजदूर इसके बारे में सोच रहा है, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि हम सब लोगों का दोष रहा है कि पिछले 70 साल में हम संविधान को जितना एक पवित्र डॉक्यूमेंट बनाना चाहते, बनाना चाहिए था, वैसा आम जनता की निगाह में नहीं बना पाए। लेकिन दलित समाज के लिए ये एक इमोशनल मुद्दा है जो उनकी पहचान से जुड़ा है, जो उसके आत्मसम्मान से जुड़ा है, जो उसे सामाजिक न्याय की जो कुछ भी पिछले 70-75 साल में हासिल हुआ है उसको उखाड़े जाने की संभावना से जुड़ा है। इसलिए वहां असर हो सकता है, और वो इस चीजों को समझने लगे हैं कि देखिए संविधान को जब भी खत्म किया जाएगा तो कभी गाजे बाजे के साथ खत्म नहीं किया जाएगा। देखिए 21वीं सदी में लोकतंत्र को समाप्त करने के वो तरीके नहीं है जो कि 20वीं सदी में हुआ करते। 21वीं सदी में तो टेलीफोन भी स्मार्ट हो गया, तो डिक्टेटर भी स्मार्ट हो गए। तो वो तरीका ये है कि जिसमें जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है वो लोकतंत्र का यज्ञ करेगा, लाखों लोगों को बैठाएगा, फिर वहां लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, और हर रोज एक छोटा सा 1 इंच काटा जाएगा, फिर लोकतंत्र का मंत्र पढ़ा जाएगा, है ना। और जो लोकतंत्र की हत्या करेगा वो चुनाव बड़े नियमित रूप से करवाएगा जैसा कि पुतिन करवाते हैं, और जो संविधान को खत्म करेगा वो संविधान के गुणगान करते हुए संविधान को और उत्कृष्ट बनाने के लिए, संविधान की मूल आत्मा को और भी ज्यादा गहरा करने के लिए संशोधन करेगा। ये सब नाटकबाजी तो होती है ना पॉलिटिक्स में, वो तो होगी, प्रधानमंत्री ये बातें कहेंगे, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि लोग इसको जमीन पर पकड़ने लगे। तानाशाही शब्द के बारे में जमीन पे चर्चा होने लगी है, ईवीएम को लेके लोगों के मन में संदेह आने लगे हैं कि बटन कहीं दाबेंगे निकलेगा कहीं और, ये सब बातें होने लगी। ये सब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। जी योगेंद्र यादव जी, इतना समय दिया आपने, डिटेल में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते हैं कि आगे के चरणों में क्या होगा, क्योंकि ये फेज ऐसा लग रहा था कि हमेशा से एक एडवांटेज इंडिया गठबंधन के लिए था, लेकिन आगे के चरणों में क्या होगा वो हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी हमको समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।